कौन लगा सका है हवाओं पर पहरे, वो तो चलती हैं अपनी मर्जी से अपनी ही राह। लेकिन भारतीय वायु आकाश में इन्हीं हवाओं पर रहती है कड़ी निगरानी भारतीय वायुसेना की, जिनका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शं दीप्तम्, यानी आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान। गीता के इस श्लोक को अपना आदर्श वाक्य बनाने वाले भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसी मौके को याद करते हुए हर साल इसी दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में मनाया गया था। 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने अपनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटा दिया गया और तब से इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। वर्ष 1932 में स्थापना के बाद से ही भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय इतिहास रहा है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। वायुसेना के कमीशन प्राप्त अफसरों में अगर हम बात करें तो एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। भारतीय वायुसेना ने समय आने पर अपनी बहादुरी से एक इतिहास रचा है और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस इतिहास में खास तौर से नाम दर्ज है ऑपरेशन विजय का, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पोमलाई और ऑपरेशन राहत, जिसमें उत्तराखंड में फ्लैश बाढ़ से पीड़ित लोगों के बचाव और राहत के लिए वायुसेना शामिल हुई थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी शामिल है। भारतीय क्षेत्रों को सभी जोखिमों से बचाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। 8 अक्टूबर को परेड के साथ वायुसेना उत्सव की शुरुआत होती है। सभी वायुसेना स्टेशन अपने हवाई अड्डों पर परेड आयोजित करते हैं। पारंपरिक सैन्य परेड एक ही प्रोटोकॉल का अनुकरण करते हैं। बिगुल की आवाज के साथ दाहिनी ओर से परेड की शुरुआत होती है। आकस्मिक रूप से दोनों उड़ानों में प्रत्येक में 4 स्क्वाड्रन शामिल होते हैं और इसकी कमान एक विंग कमांडर के हाथ में होती है। पूरे उत्सव में परेड के साथ एक बैंड होता है। एक बार जब परेड ग्राउंड पर परेड का जुलूस होता है तो सभी उपस्थित लोगों के सम्मान में वर्दीधारी वायु सैनिक परेड की सलामी देते हैं। वायुसेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में नहीं होते। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एक खास बात यह है कि इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा हासिल है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाई टैंक एंटरटेनमेंट। नमस्कार।